लाइव तस्वीरों के साथ करेंगे। पीएम मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया, संबोधित कर रहे हैं, आपको सुनाते हैं। पैनमा हमारो प्रणाम। साथियों, संयोग से कल ही पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह का बलिदान दिवस भी है। अंग्रेजी सत्ता को चुनौती देने वाले शाहजहांपुर के इन तीनों सपूतों को 19 दिसंबर को फांसी दी गई थी। भारत की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देने वाले ऐसे वीरों का हम सभी पर बहुत बड़ा कर्ज है। ये कर्ज हम कभी चुका नहीं सकते, लेकिन देश के विकास के लिए दिन रात मेहनत करके जिस भारत का हमारे स्वातंत्र सेनानियों ने सपना देखा था, उस भारत का निर्माण करके हम उन्हें सच्ची कार्यांजलि दे सकते हैं। आज शाहजहांपुर में ऐसा ही पुण्य अवसर है, ऐतिहासिक अवसर है। आज उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे पर काम शुरू हो रहा है। रामचरितमानस में कहा गया है, गंग सकल मुद मंगल मुला, सब सुख करनी हरनी सब सुला। यानी मां गंगा सारे मंगलों की, सारी उन्नति प्रगति की स्रोत है। मां गंगा सारे सुख देती है और सारी पीड़ा हर लेती है। ऐसे ही गंगा एक्सप्रेसवे भी यूपी की प्रगति के नए द्वार खोलेगा। मैं आज मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज के एक एक नागरिक को, सब लोगों को विशेष बधाई देता हूं। करीब 600 किलोमीटर के इस एक्सप्रेसवे पर 36,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। ये गंगा एक्सप्रेसवे अपने साथ इस क्षेत्र में नए उद्योग लाएगा, अनेक रोजगार, हजारों नौजवान के लिए अनेक नए अवसर लाएगा। साथियों, उत्तर प्रदेश आबादी के साथ ही क्षेत्र के मामले में भी उतना ही बड़ा है। एक छोर से दूसरा छोर करीब करीब 1,000 किलोमीटर का है। इतने बड़े यूपी को चलाने के लिए जिस दमखम की जरूरत है,
जिस दमदार काम की जरूरत है वो आज डबल इंजीनियरिंग की सरकार करके दिखा रही है। वो दिन दूर नहीं जब यूपी की पहचान नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर वाले सबसे आधुनिक राज्य के रूप में होगी। ये जो आज यूपी में एक्सप्रेस वे का जाल बिछ रहा है, जो नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, नए रेलवे रूट बन रहे हैं, जो यूपी के लोगों के लिए अनेक वरदान एक साथ लेकर आ रहे हैं। पहला वरदान, लोगों के समय की बचत। दूसरा वरदान, लोगों की सहूलियत में बढ़ोतरी, सुविधा में बढ़ोतरी। तीसरा वरदान, यूपी के संसाधनों का सही और उत्तम से उत्तम उपयोग। चौथा वरदान, यूपी के सामर्थ्य में वृद्धि। पांचवा वरदान, यूपी में चौतरफा समृद्धि। साथियों, एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए अब आपको उतना समय नहीं लगेगा जितना पहले लगा करता था। आपका समय ट्रैफिक जाम में बर्बाद नहीं होगा, आप उसका बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे। यूपी के 12 जिलों को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे पूर्वी और पश्चिमी यूपी को ही पास नहीं लाएगा, बल्कि एक तरह से दिल्ली से बिहार आने जाने का समय भी कम कर देगा। जब ये एक्सप्रेसवे तैयार हो जाएगा तो इसके आसपास उद्योगों का एक बहुत बड़ा क्लस्टर तैयार होगा, जो यहां के किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए तो नए अवसर बनाएगा ही, यहां के एमएसएमईज के लिए, लघु उद्योग के लिए भी नई संभावनाएं तैयार करेगा। विशेष रूप से फूड प्रोसेसिंग उद्योगों के लिए जो असीम संभावनाएं यहां पर बनेगी, उनसे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। यानी किसान हो या नौजवान, ये सभी के लिए अनंत संभावनाओं का एक्सप्रेसवे है। साथियों, यूपी में आज जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है वो ये दिखाता है कि संसाधनों का सही उपयोग कैसे किया जाता है। पहले जनता के पैसे का क्या क्या इस्तेमाल हुआ है ये आप लोगों ने भली भांति देखा है। देखा है ना क्या क्या होता था मालूम है ना? याद है कि भूल गए? लेकिन आज उत्तर प्रदेश के पैसे को उत्तर प्रदेश के विकास में लगाया जा रहा है। पहले ऐसी बड़ी परियोजनाएं कागज पर इसलिए शुरू होती थी ताकि वो लोग अपनी तिजोरी भर सकें। आज ऐसी परियोजनाओं पर इसलिए काम हो रहा है ताकि यूपी के लोगों का पैसा बचे, आपका पैसा आपके जेब में रहे।
और भाइयों बहनों, जब समय बचता है, सुविधा बढ़ती है, संसाधनों का सही इस्तेमाल होता है, तभी तो सामर्थ्य बढ़ता है। और जब सामर्थ्य बढ़ता है तो समृद्धि अपने आप आना शुरू हो जाती है। आज डबल इंजन की सरकार में यूपी का बढ़ता हुआ सामर्थ्य हम सभी देख रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो या फिर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो या फिर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के महत्वपूर्ण फेज, ऐसे अनेक प्रोजेक्ट्स जन सेवा के लिए समर्पित हो चुके हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, प्रयागराज लिंक एक्सप्रेसवे, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली मेरठ रैपिड हाई स्पीड कॉरिडोर जैसे मेगा प्रोजेक्ट पर आज तेजी से काम चल रहा है। ये जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना रहे हैं वो मल्टीपर्पज भी है, उनमें मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का भी उतना ही ध्यान रखा जा रहा है। साथियों, 21वीं सदी में किसी भी देश की प्रगति के लिए, किसी भी प्रदेश की प्रगति के लिए हाई स्पीड कनेक्टिविटी सबसे बड़ी जरूरत है। जब सामान तेजी से अपनी मंजिल तक पहुंचेगा तो लागत कम आएगी, जब लागत कम आएगी तो व्यापार बढ़ेगा, जब व्यापार बढ़ेगा तो निर्यात बढ़ेगा, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। इसलिए गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के विकास को गति भी देगा और यूपी को शक्ति भी देगा। इसे पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान से भी बहुत बड़ी मदद मिलेगी। इस एक्सप्रेसवे से एयरपोर्ट को जोड़ा जाएगा, मेट्रो को जोड़ा जाएगा, वॉटरवेज को जोड़ा जाएगा, डिफेंस कॉरिडोर को जोड़ा जाएगा। गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत इसे टेलीफोन के तार बिछाने के लिए ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क लगाना हो, बिजली के तार बिछाने की बात हो, गैस ग्रिड की बात हो, गैस की पाइपलाइन डालनी हो, वाटर ग्रिड की बात हो, हाई स्पीड रेल परियोजना तक की संभावना से देखते हुए, इन सारी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भविष्य में किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, इन बातों को ध्यान